नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी मैथ। दोस्तों क्या होता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, आपने सुना होगा। जैसे आप कहते हैं हमने सब्जी काटा, हमने प्याज काटा, हमने आलू काटा, तो भैया इसमें मैथ में अगर कोई चीज़ कटता है जो कि रेखाओं से संबंधित होता है तो उसे प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अगर कोई रेखा किसी रेखा को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ऐसा बोला जाता है, काट रही है ऐसा नहीं बोला जाता। ये मैथ की लैंग्वेज नहीं। जैसे ये मैंने दो रेखा खींचा, यहाँ पर P और Q है, ये AB है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि AB रेखा ये PQ को बिंदु O पर काटती है तो ये कुछ कम अच्छा माना जाता है मैथ की लैंग्वेज में। इसे ऐसे कहेंगे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो अपनी हर जगह लैंग्वेज अलग अलग होती है। देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही कि नहीं कर रही, लेकिन हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, पहले ध्यान से सुनो। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लो, लेकिन मैं आपको थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल बता दूँ। अक्सर साथियों आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक देखो, बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होती हैं जहाँ पर जंक्शन बोलते हैं, जैसे फाफामऊ जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, आगरा जंक्शन, टुंडला जंक्शन, बहुत सारे जंक्शन है, सुल्तानपुर जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, फैजाबाद वगैरह वगैरह ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जंक्शन का मतलब जानते हो, वहाँ पे क्या होता है, देखो एक बात और समझ लो, जनरल नॉलेज। जंक्शन और स्टेशन में अंतर होता है। स्टेशन का मतलब ये होता है कि ट्रेन सीधा आ रही है और बीच में कहीं रुक गई, मतलब डबल पटरी है, किनारे होकर साइड में रुक गई और दूसरी ट्रेन आई मुख्य पटरी से चली गई, उसे स्टेशन बोलते हैं, समझ रहे हो। जंक्शन का मतलब ये होता है जहाँ से ट्रेनें चारों तरफ को जाएं, कई दिशाओं में जाएं, समझ गए ना। जैसे ये जंक्शन है तो यहाँ पर ट्रेन इधर को भी जा सकती है, इधर को भी उधर को भी, चारों दिशा में, या फिर तीन दिशा में या दो दिशा में, कई दिशाओं में जा सकती है। लेकिन स्टेशन का मतलब क्या होता है, स्टेशन का मतलब ट्रेन ऐसे सीधा जाएगी, बस मतलब सीधा जा रही है बस, उसे क्या बोलते हैं स्टेशन। अक्सर बहुत सारे स्टेशन हैं, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं इलाहाबाद से तो आप देख लें अयोध्या से लेकर के और प्रयागराज तक लगभग 21 मतलब पड़ते हैं स्टाफ पैसेंजर वगैरह के, 21 में से लगभग मान लो कम से कम 15 स्टेशन हैं, 5-6 ही जो जंक्शन पड़ते हैं, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, चिलबिला हो गया, है ना। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को बारे में मैंने ये जंक्शन स्टेशन का है बताया क्योंकि उसी से संबंधित है। अक्सर आपने देखा होगा ये रेलवे ट्रैक होता है, ये रेलवे ट्रैक होता है साथियों। तो इस पर क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे रोड कहीं कहीं ऐसे क्रॉस करते हैं लोग, वैसे कूद जाते हैं साइकिल लेके, अगर बंद हो जाता फाटक तो। हम लोग भी बहुत कूदे हैं, कक्षा 12 में पढ़ते थे जब सुल्तानपुर में, तो वहाँ पे ओवरब्रिज नहीं बना था पुलिस लाइन के पास, बड़ा लंबा जाम लगता था। वहाँ पे क्या होता था, रोड क्रॉस होता था मेन रेलवे लाइन को, तो फाटक बंद हो जाता, बड़ा लंबा जाम लगता था। ये पुराने ज़माना की बात है, 2011 की। तो ये क्या होता है, रोड जो ऐसे क्रॉस करता है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाएँ भी कहा जा सकता है, समझ गए। यानी आप ये कह सकते हो कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, लेकिन यार मैं गया कहाँ, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बताना था ना मुझे, ये तिर्यक रेखाएं हैं, सॉरी इसके लिए, ये तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है। मैं बताने वाला जो था वही है ये भी, लेकिन इसे तिर्यक रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, ये तिर्यक रेखाएं हैं। अगर कहीं भी रेलवे पटरी को कोई भी रोड काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक रेखाओं की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो, प्रतिच्छेदी रेखाएं और तिर्यक रेखाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि कहीं कोई दो रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी ये जहां पर काट रहा है ये प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, समझ गए। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक दूसरे को कहीं भी वो काट सकती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। लेकिन तिर्यक रेखाओं में अंतर होता है कि भैया इसके लिए कम से कम दो रेखाएं होनी चाहिए जिसको एक तीसरी रेखा काटेगी ऊपर से, तो वो तिर्यक रेखा कहलाएगी, अन्यथा वो प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी अगर वहाँ पर दो या दो से अधिक लाइन नहीं है तो, ठीक ना, समझ गए। तो लगे हाथ इसको भी आप समझ लिए इसी में, वैसे भी मैं बताता अभी लेकिन थोड़ा बाद में बताता। हाँ, तो तिर्यक रेखाएँ क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक लाइन को कोई तीसरी लाइन काटती है तो वो तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तिर्यक रेखा का मतलब ये नहीं कि सीधा फीधा काटे, मतलब हल्का तिरछा होके, इंटरसेक्टिंग लाइन के रूप में, स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है। जबकि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक जगह पर आके मिलती हैं तो उसी को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि दो ये रेखा रहेगी, मतलब इसी पे कटे बस, ये सभी क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एंड ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट।